नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F19 वर्सेस Vivo V21 E5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo F19 में 6.31 इंच जबकि Vivo V21 E5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Oppo F19 में 2.91 इंच जबकि Vivo V21 E5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Oppo F19 में 0.31 इंच जबकि Vivo V21 E5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo F19 में 175 ग्राम्स जबकि Vivo V21 E5G में 165 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo F19 में 6.43 इंचेस जबकि Vivo V21 E5G में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo F19 में 84.38% जबकि Vivo V21 E5G में 84.37% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo F19 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo V21 E5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo F19 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo V21 E5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo F19 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo V21 E5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo F19 में Adreno 610 जबकि Vivo V21 E5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo F19 में Qualcomm Snapdragon 662 और Vivo V21 E5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo F19 में 6GB की RAM मिलती है, जबकि Vivo V21 E5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo F19 में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Vivo V21 E5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo F19 में अप टू 256GB जबकि Vivo V21 E5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo F19 में 5000mAh जबकि Vivo V21 E5G में 4000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo F19 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें Vivo V21e 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 25,250 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो F19 में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V21e 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Vivo V21e 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Vivo V21e 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Oppo A16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y53S 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।